भयंकर यातना भोग रहा वह प्रेत धुंधकारी, जिसने अपना ब्राह्मणत्व भी नष्ट किया, माता पिता से द्रोह किया, और ऐसा कोई पाप नहीं रहा जो उसने नहीं किया हो। पाप पयोनिधि जन्मन मीना, जीवन पर्यंत पाप किए। माता पिता को सताने वाले की गति हो सकती है? अच्छा, एक बड़ी विशेष बात आचार्य जी, कि जितने पापियों के उदाहरण मिलेंगे सब ब्राह्मणों के मिलेंगे, चाहे अजामिल का हो, चाहे धुंधकारी का हो, चाहे वो शिव महापुराण के महत्व में वो चंचुला के पति का बिंदुक का हो, अनेक जगह आप कहीं भी पढ़ लीजिए, प्रायः प्रायः उदाहरण जो है वो आपको ब्राह्मण के मिलेंगे। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि सामान्य जन पाप करें तो पाप तो उन्हें भी लगेगा, पर उतना नहीं लगेगा जितना ब्राह्मण होने के बाद कोई पाप करे तो उसको अपराध लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण वेदज्ञ है और वह धर्म के ऊपर अपने जीवन को टिकाए रखे, यह उसके लिए अनिवार्य है। बाकी लोग भी रखें, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार कुछ न्यूनता धर्म में हो जाए, जैसे वैश्य है वो व्यापार कर रहा है, व्यापार में थोड़ा बहुत उसने कोई बात झूठ भी कह दी तो थोड़ा बहुत झूठ व्यापार के लिए कुछ हद तक चल सकता है, लेकिन ब्राह्मण होकर झूठ बोले यह तो सर्वथा अयोग्य है और वह क्षम्य नहीं है। ब्राह्मण होकर के यदि कोई पाप करे तो उसके लिए क्षमा नहीं है। अन्य कोई जो जानकार नहीं है और वो पाप कर दे तो क्षमा हो जाएगा, लेकिन जानबूझकर कोई पाप करे तो क्षमा नहीं मिलेगी। तुम तो जानते थे कि इसका परिणाम क्या है, तुम तो जानते थे कि कर्तव्य क्या है, तुम तो जानते थे कि तुम्हें करना क्या चाहिए, उसके बाद भी तुमने ऐसा किया, उसके लिए क्षमा का कोई प्रावधान नहीं है। तो उदाहरण इसलिए ब्राह्मणों के ही दिए हैं कि ब्राह्मण होकर के भी जिसने पाप किए उसको तो नरक जाना ही जाना है, लेकिन उसको भी यह साधन भगवान की कथा और भगवान का नाम बचा लेता है, यह बतलाने के लिए उन्हीं के उदाहरण दिए गए। वह ब्राह्मणाधम, जिसने माता पिता का तिरस्कार किया, अपनी विधवा माता धुंधली को पीटा, धनदेव कहां है, और जब वह वैश्याओं के चंगुल में फंसकर मारा गया तो यमराज के दूतों ने भयंकर यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया, लेकिन धन्य है साधु का स्वभाव। और कोई भाई होता गोकर्ण जी के स्थान पर तो कहता कि ठीक है तूने बहुत पाप किए थे भोगो अब, लेकिन उमा संत की यह ही बढ़ाई। आचार्य जी, धुंधकारी ने धुंधली को तो मारा, आत्मदेव जी को खूब फटकार लगाई, कभी कभी गोकर्ण जी को भी तो झगड़ा किया होगा, नहीं किया होगा, गोकर्ण जी को भी सताया होगा, लेकिन गोकर्ण जी ने यह विचार नहीं किया कि इसने मुझे सताया, इतने पाप किए, मेरे माता पिता को दुख दिया, उसके कल्याण के लिए दृढ़ निश्चित होकर के और विचार करने लगे क्या करें, तो भागवत का आश्रय लिया कि उमा संत की यह ही बढ़ाई, मंद करते जो कराए भलाई। संत की यही बढ़ाई है कि जो बुरा करने वाले का भी अच्छा करे। संत और असंत की पहचान करना है तो इतने से कर लीजिए भैया, जो बुरा करने वाले का भी हित चाहता है वो संत है, और जो अच्छा करने वाले का भी बुरा सोचता रहता है वो असंत है। जो अच्छा करने वाले का भी बुरा सोचे वही असंत है। खल, एक शब्द हमारे यहां है खल। बोले खल कौन है, तो एक संत हंसा रहे थे, बोले खल का अर्थ है जो खाए और लड़े। खा में, खल में दो शब्द है ना, खा और ला। एक संत बोले कि इसमें एक शब्द और जोड़ लो, बोले जिसका खाए उसी से लड़े, वो खल है। असंत की पहचान यह है कि वो हित करने वाले का भी अहित करता है, और संत की यह पहचान है कि वो बुरा करने वाले का भी सदा हित चिंतन ही करता है, उसका अच्छा ही सोचता है, इसका भला होना चाहिए मेरा जो हो। गोकर्ण जी ज्ञानी है,
लेकिन केवल ज्ञानी नहीं है, हृदय से संत हैं। इसलिए उन्होंने धुंधकारी की सदगति के लिए भागवत का आश्रय लिया और यही पुराण जिसको हम लोग लेकर बैठे हैं, इसी पुराण का वाचन गोकर्ण जी ने किया। धुंधकारी प्रेत बना हुआ सुन रहा है और सात दिन की कथा श्रवण से उसका प्रेतत्व तो नष्ट हो गया, दिव्य देहधारी हो गया, चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया, पीताम्बर उसको प्राप्त हो गया और वह संघ चक्र गदा आदि से अलंकृत हो गया। भगवान के पार्षद उसको लेने के लिए आ गए और कहा कि बैठो। वो बोला कि बैठूंगा पर पहले इस भागवत को प्रणाम तो कर लूं जिसके द्वारा मेरी सदगति हो रही है, पहले मैं अपने उस भाई को वंदन तो कर लूं जिस भाई ने मुझे इस योग को बनाया है।